आज हमारी सर्व समाज सेवा संस्थान राजस्थान अजमेर के अंतर्गत जरूरतमंद विद्यालयों के लगभग 250 बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई, जिसमें स्कूल बैग, कॉपियां, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर और बच्चों को प्रसाद के रूप में बिस्किट इत्यादि भी वितरित किए गए। और सभी बच्चों को यह आग्रह किया गया कि लिख पढ़कर अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें, और पौधारोपण, वृक्षारोपण के लिए भी सभी को प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे साथ लोकपाल श्री सुरेश कुमार जी सिंधी, हमारी दीदी मधु देवजानी, डॉक्टर सरला देवनानी, पार्षद रमेश चेलानी, समाज सेवी रमेश चंद्र लखानी आदि सभी का सहयोग रहा। और इस कार्यक्रम में हमारे अप्रवासी भारतीय दोस्त मिस्टर हैरी वाधवानी ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और हम बच्चों से यही निवेदन करते हैं कि उन्हें पाठ्य सामग्री इसलिए दी जा रही है ताकि वो पढ़ाई में अधिक रुचि लें। आजकल के दौर में देखा गया कि बच्चे मोबाइल, कार्टून नेटवर्क, गेम्स, इनमें बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। तो हमने बच्चों को आज इस कार्यक्रम के द्वारा ये समझाया कि आप मोबाइल, कार्टून्स और गेम्स इत्यादि में रुचि कम लेकर और शारीरिक जो खेल हैं उनमें रुचि लें, पढ़ लिख कर अपने विद्यालय, अपने परिवार और अपने समाज का नाम रोशन करें। कार्यक्रम की आज हमारी सर्व समाज सेवा संस्थान राजस्थान अजमेर के अंतर्गत जरूरतमंद विद्यालयों के लगभग 250 बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई, जिसमें स्कूल बैग, कॉपियां, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर और बच्चों को प्रसाद के रूप में बिस्किट इत्यादि भी वितरित किए गए। और सभी बच्चों को यह आग्रह किया गया कि लिख पढ़कर अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें, और पौधारोपण, वृक्षारोपण के लिए भी सभी को प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे साथ लोकपाल श्री सुरेश कुमार जी सिंधी, हमारी दीदी मधु देवजानी, डॉक्टर सरला देवनानी, पार्षद रमेश चेलानी, समाज सेवी रमेश चंद्र लखानी आदि सभी का सहयोग रहा। और इस कार्यक्रम में हमारे अप्रवासी भारतीय दोस्त मिस्टर हैरी वाधवानी ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और हम बच्चों से यही निवेदन करते हैं कि उन्हें पाठ्य सामग्री इसलिए दी जा रही है ताकि वो पढ़ाई में अधिक रुचि लें। आजकल के दौर में देखा गया कि बच्चे मोबाइल, कार्टून नेटवर्क, गेम्स, इनमें बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। तो हमने बच्चों को आज इस कार्यक्रम के द्वारा ये समझाया कि आप मोबाइल, कार्टून्स और गेम्स इत्यादि में रुचि कम लेकर और शारीरिक जो खेल हैं उनमें रुचि लें, पढ़ लिख कर अपने विद्यालय, अपने परिवार और अपने समाज का नाम रोशन करें। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता के रूप में राजकीय अल्पभाषाई शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की व्याख्याता श्रीमती लता ठारवाणी ने अपना उद्बोधन दिया, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और सभी विद्यालय जो कि हमारे यहाँ आए, राजकीय राजेंद्र विद्यालय, आर्यपुत्री विद्यालय, आदर्श स्कूल, हरिसुंदर बालिका, स्वामी सर्वानंद विद्यालय, सिंधी चांदबाड़ी विद्यालय, डिगी लोकल विद्यालय, इन सभी के बच्चे और शिक्षकों का भी हम धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने आकर और ये पाठ्य सामग्री हमसे ग्रहण की। निःशुल्क